Good morning, guys. Today we are going to Alibog, so let's go. And subscribe my channel for more updates. सो फाइनली गाइज, इतनी देर घूमने के बाद हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। सो कुछ एक घंटा कुछ लगने वाला है। अभी थोड़ा हॉल्ट लिया हम लोग ने उधर होटल में, होटल नहीं छोटा सा है। बाप रे, कितनी देर से हम लोग घूम रहे, पता है अभी भी कुछ 21 किलोमीटर रह गया हम लोग का उधर। और वो जगह दिख रहा है आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, उधर हम लोग का गाड़ी स्लिप हुआ था अभी जस्ट, किधर है, हाँ वो देखो, वो वहाँ पे गाड़ी स्लिप हुआ हम लोग का। थोड़ा टर्निंग पे स्पीड पे थे हम लोग और ओह, मेरे फ़ोन बजाने वाला, गाड़ी का आवाज़ आई कहीं से। सो टर्निंग पे अभी स्लिप हो गए हम लोग, बच से गए भाई, बच गए हम लोग। सो अभी फ़िलहाल सब लोग उधर हॉल्ट के लिए रुके, उधर उस तरफ है वो देखो गाड़ी, वो सब लगाए। थोड़ी देर अभी खा पी के फिर चलते हैं। हम लोग ने टिकट विकेट सब ले चुके हैं। सो झगड़ा हो रहा था भाई, उसके बीच में घुस के टिक, वो देखो वहाँ पे वो टिकट काउंटर है वहाँ पे, वो देखो वो, और ये अभी पप्पा वहाँ से एकदम मस्त हंसते हुए टिकट लेके आ चुके हैं। फिलहाल अभी वहाँ पे जाना है, 80 रुपीज़ बोट और 25 रुपीज़ फॉर फोटो, ऐसा है। सो आप देख सकते हो आके। अच्छा होय, ऐसा जो नहीं कहते अभी। ये देखो अभी हम लोग बोट में जा रहे हैं मस्त। अरे नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जंजीरा किला जे आपले समोर आहे, किला बांधायचे आधी हे पाण्यामध्ये एक बेट होता खरकट टेकडी म्हणून, आणि याच्यावरती माशेमार लोकांची वस्ती होती। यांचा मुख्य होता सरदार, याचं नाव होता राजाराम पाटील। जंजिरा किला बनणारा राजा होता सिद्धीजीव नावाचा। या आफ्रिका देशामध्ये तो व्यापार म्हणून याचा, या लोकांनी काय केला, या लोकांकडून मच्छीमार लोक इथं राहायचे, यांच्याकडून हे बेट खरकट टेकडी आपल्या अंडरमध्ये केली आणि किला बनवला। त्या तटबंदीला बघा तुम्ही, पाणार कुठनाही खाली कोसळलेली नाही आहे, एवढा मजबूत भक्कम बांधकाम आहे। त्याच्या बांधकामध्ये असं मटेरियल काय तर सिमेंट नाही आहे, चुना आहे, गुड उसाचा ज्यात आपण खातो आणि सीसा जे पेन्सिलमध्ये लीड असतो हे वस्तूचा एक लेड बनवून रेती आणि दगडामध्ये जॉईंट केलेला आहे। का एक दगडाला होल करून आत मधून दुसरा दगड पसरलेला आहे, जसं आपण लाकडाचा जॉईंट करतो ते पाण्याच्या लाटी असतात। हे लाटी आपटल्यामुळे तटबंदीमध्ये दगडाची जून आतमध्ये गेली, पण याचा जॉईंट बांधकाम मटेरियल आपल्या जागेवर निघाला। पाण्यामध्ये हा 22 एकर मध्ये किला कसा बनवला, हे पाण्याला जेव्हा वटी असायचा त्यावेळी हे तटबंदीचा बांधकाम करणार, आणि ज्यावेळी वरती असायचा त्यावेळी किल्ल्यामध्ये आतल्या बाजूचा बांधकाम करणार, असा 22 वर्षामध्ये हा 22 एकर मध्ये किला बनवलेला आहे। तर किला बनण्यासाठी जेवढे पण दगडांचा वापर केलेला आहे हे कुठल्या गावातनं आणली नाही, तर काय केला, इथे जे बेट होता खरकट टेकडी म्हणून याला कटिंग केला फोरकाम, आणि दगडा करून किला बनण्यासाठी वापर केले। त्यावेळी हे दगडांचा फोरकाम करायचा, हे जमिनीच्या लेवल मध्ये गेला, ते जमिनीच्या आतून पाण्याचे झडे लागले। आतमध्ये गोड पाण्याचे दोन मोठे झडे आहेत, एक 60 फूट खोल आहे, दुसरा 40 फूट खोल आहे। जे किल्ल्याची वैशिष्ट्य आहे की चारू बाजूने खारा पाणी आणि आतमध्ये गोड पाणी। तर किल्ल्याचं तिसरा महत्व काय, याचा दाड दिसत नाही, जिथपर्यंत आपण दाडासमोर जाणार नाही हे किल्ल्याचा दाड दिसत नाही। त्यामुळे हा जंजिरा किला कोणाला जिंकता आला नाही, पण हा किला जिंकण्यासाठी त्या काळामध्ये इथे बरेच राजा महाराजे लोकांनी ट्राय केला। तर सर्वात जास्त ट्राय करणारे कोण होते, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे
जे मुलगे होते धर्मवीर संभाजी महाराजांनी हे किल्ल्याचे पलीकडे आणखी एक किल्ला आहे त्या किल्ल्याचं नाव आहे पद्मदूत कसा किल्ला. तर महाराजांकडे तर आरमार खूप होता पण त्यांच्याकडे एवढी मोठी तोफ नव्हती का त्या किल्ल्यावरून हा किल्ला उडवणार ब्लास्ट करणार. हे पाण्यामध्ये बघा आपल्याला दगडा दिसत आहेत. इथं सेतू बन सारखा एक खाडी बन घातण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच टायमिंग मध्ये औरंगजेबने रायगड किल्ल्यावरती अटॅक केला तर महाराज आपले मुहिम सोडून गेले कारण ती राजधानी होती. त्यामुळे त्यांना हा जंजिरा किल्ला जिंकता आला नाही. हा शेवट कोणते का जिंक किल्ला असेल तर आला तर जिंकणार ते तुम्ही लोक जे आतमध्ये प्रवेश करणार तर आतमध्ये गेल्यानुसार तुम्ही आतमध्ये काय करणार तुम्हाला वाट कशी कळणार. सर्वात आधी ते किल्ल्याच्या दारामध्ये तुम्ही जेव्हा जाणार तर दारासमोर भिंतवरती एक मोहर आहे चित्र आकार. एक सिंह आणि या लोकांचा जेव्हा इथं राज्य होता त्यावेळी या लोकांचा राजमुद्र होता एक सिंह आणि सहा हाती. हे नाणे जे कोणाकडे असतील त्यांना गेटच्या आतमध्ये प्रवेश करणार. ज्यांचे जो नसणार त्यांना आतमध्ये एंट्री नाही होता. मग तुम्ही गेटमध्ये गेले की तुमच्याकडे जे 25 रुपयाला तिकीट आहे ते आतमध्ये चेक करणार. तिथं पिरांची समाधी आहे. त्या पिरांचं नाव काय तर पंजतन 5 पीर. ते पिरांच्या समाधीपासून तुम्हाला जायचा उजव्या हातावर ते वरती तटबंदीला जवळ गेल्यानंतर पाहणार मोठी तोफ आहे भारतामध्ये येणारी 3 नंबरची तोफ. त्या तोफीचं नाव आहे कलाल बांगडी. तुम्ही वर पाहणार 12 तास उन्हामध्ये राहून पण जास्त गरम होत नाही थोडीशी गार राहतं असा का बडा तर ती पंचधातूमध्ये बनवलेली तोफ आहे. त्याच्या बाजूला छोटी लहान तोफ आहे त्या तोफीचं नाव आहे गायमुख आणि तिसरे तोफीचं नाव आहे चावडी. 3 मोठे मुख्य तोफी तुम्ही वर गेल्यानंतर पाहणार हजार बुलट हजार. तो अभी फिलहाल हम लोग फोर्ट पहुंच चुके. देखो लाइन है जाने का, अंदर जाने का लाइन है बाहर आने के लोग. तो ये फोर्ट देख सकते हो आप एकदम मस्त है ना उस टाइम का अभी भी है. ये देखो गाइस हम लोग ने एंटर कर लिया है. ये देखो ये रहा एंट्री करते हो आपको यहाँ से आने का है और आप सीधे यहाँ पे आ जाओगे. सो ये रहा अपना फोर्ट मस्त है ना. बघा नाव लिहिले ती ईडी लोक ही बघा. व्हॉट इज दिस काय माहिती याला एंट्रन्स असेल हा माझं नाव लिहिलंय कुणीतरी. नाही नाही नियर नाही वेगळंच आहे. सो ऐसे नाम लग सो ये मत किया करू प्लीज. अभी फटाफट ऊपर चढ़ते रहे को पीछे लो आ रहे सब लोग. अभी हम लोग मस्त अभी किले पे आ गए. ये देखो तो ये देखो अभी आप अंदर आओगे तो ऐसा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है मस्त है ना उस टाइम का है लेकिन अभी भी एकदम मजबूत है. अभी थोड़ा तो इतना गिरेगा ही इतना मस्त है ना.
पर जितना। ये देखो ये बेचारी बच्ची रोती रहती है हमेशा कांद्री। ये देखो अभी इतना इतना गर्दी है भाई, इतना गर्दी है। अभी उधर से क्रॉस करके जाना है सब, और फिर वहाँ पे वो वहाँ पे छोड़ेगा वो पुल लेना उधर, वहाँ पे छोड़ देगा। सो अभी चल फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एकदम मस्त अपने होटल। सो यहाँ पे अंदर रूम है, और यहाँ पे व्यू चेक करो आप सीधा। सो मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हम लोग ने हमारी वहाँ पे कार पार्क की है इधर मस्त, और वहाँ से हम लोग आए अभी। बहुत भाई हेक्टिक था, बहुत कितना गर्दी था उधर उस पर। कैसे तो करके हम लोग ने भाई शॉर्टकट लेके किया है तुम लोग के भाई ने सब। टिकट के लिए इतना लाइन था, झगड़ा हो रहा था, मैं और पापा सीधा घुस गए उसके बीच में, उन लोगों को पता भी नहीं चला। पर टिकट्स भी आ गया। व्यू चेक, वो देखो व्यू बीच के सामने, यहाँ पे मस्त नारियल के झाड़े सब। और देखो अभी बीच के सामने, कल हम लोग अपनी कार लेके जाएंगे उस पर, तो मस्त पकाएंगे उस पर, है ना। तो थोड़ी देर अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते, चाय नाश्ता करते और सोते, फिर थोड़ी देर में नहीं तो शायद बीच पे भी जाएंगे, आपको मैं बताऊंगा। सो अभी गाइस हम लोग आए बीच पे, बीच पे घूमने के लिए। अभी अभी शायद आपको नहीं दिखेगा कुछ, अंधार है ना। का है फोटो कैसा नहीं गली था अंधारा ना है नहीं नहीं येते का सुधा अंधार दिसते ना। हे बघ की आता मी इथं टॉर्च लावले म्हणून आज दिसते गोरा गोरा, इथं काय दिसतं ह्या अंधारात कळत नाहीस, तसंच बसते। वो उस तरफ पानी है, पीछे कहीं तो है, अभी आपको देखेगा नहीं। ये टॉर्च लेके मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। सो अभी सब लोग यहाँ पे आए हैं बीच पे एकदम मस्त। इसको देखो कस रड़ते गट्टू, इकड़े बग सब फटाफट चलते बीच पे घूमते हैं अभी थोड़ी देर। तो अभी गए हम लोग काशीद बीच, ये देखो काशीद बीच है, ये काशीद बीच पे अभी थोड़ी देर घूमेंगे हम लोग एकदम मस्त। अभी फ़िलहाल मैं एकदम मस्त टिप टॉप रेडी हो चुका है एकदम मस्त अच्छे से, और आज हम लोग सारे सीधा घर पे। सो अभी किधर कुछ खा भी लेंगे हम लोग फटाफट, और फिर सीधा घर जाएंगे। और अभी थोड़ा बीच पे थोड़ा सा मस्ती वस्ती करेंगे, भींगे ही नहीं, थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूम के सीधा हम लोग चले जाएंगे घर पे।
सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे अभी एकदम सेफली, एकदम मस्त था जर्नी हम लोग का पूरा एकदम ये। और आज का ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ये वीडियो। और अगर आपको अलीबाग अच्छा लगता है सो आप जाके विजिट कर सकते हो, हम लोग तो बहुत बार गए हैं भाई, 8-10 बार गए रहेंगे। और हाँ, आपको एक बात बताना था कि अगर आप जब फोर्ट जाओगे, अभी पीछे वो गाना बज रहा है उसको तो इग्नोर करो, लेकिन आप जब फोर्ट जाओगे और आपके पास कार है कुछ भी है पार्किंग करने को, तो उधर लोग रहेंगे कि बोलेंगे कि हाँ यार पार्किंग यहाँ पे लगाओ कि आगे पार्किंग नहीं है, कुछ मत सुनना सीधा आगे जाना टिकट काउंटर की, आप पूरा स्पेस खाली था उधर, कुछ चार्जेस भी नहीं थे शायद, नहीं 70 रुपीज़ था कुछ, और हम लोग ने 100 रुपीज़ दे के पे किया पार्किंग के लिए वो लोगों की वजह से। हम लोग को पता नहीं था नेक्स्ट टाइम नहीं होगा अगर गए तो, नेक्स्ट टाइम क्या कोई जाता नहीं ना, एक बार हो गया तो हो गया। सो आज की इस व्लॉग में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।